और हमारे इस नाटक का शीर्षक है बेटी बचाओ। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, सुनने वालों तुम भी आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, बेटी को बहुत समझने वालों आओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। सुनो 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 भाइयों, एक कहानी सुनो जिसमें ना है कोई राजा बाजा ना है कोई रानी बानी, फिर भी है कहानी बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी जानी पहचानी, फिर भी है क्यों अनजानी, फिर भी है क्यों अनजानी, फिर भी है क्यों अनजानी। हे भगवान, पहले तीन तीन पोतियां दे रखी है, अब की बार तो पोता दे दे। क्या हुआ दादी? कच्चा करम जली। लो माँ लड्डू खाओ। लड्डू खाओ भाई, खाओ लड्डू खाओ, मुझे पोता हुआ है। हाँ लड्डू खाओ, लड्डू खाओ, हाँ हाँ भाई लड्डू खाओ, पर पोते की खुशी में नहीं, पोते की खुशी में। क्या क्या ये पोती मुझे मेरा नाम रोशन कर पाएगी? क्या ये समाज में मेरा नाम ऊंचा कर पाएगी? ले जा अपने लड्डू, खिला दे अपनी उस बेटी को, मार डाल उसे। मैं नहीं मारूंगा माँ, उसकी आंखें तो देखो, उसकी आंखों में कितनी चमक है। मार डाल उसे वरना मैं मार डालूंगी। अरे अभी तो उसकी आंखों में लकीरें तक नहीं आई और इन्होंने उसका भविष्य तक तय कर लिया। कम से कम सुन तो लो उसे कहना क्या है। मत मारो मुझे, मुझे भी जी लेने दो। अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको दादी कौन कहेगा, आपको पापा कौन कहेगा? बेटियों को मारोगे तो बहू कहाँ से लाओगे? वंश को आगे कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? कैसे बढ़ाओगे? यार तुमने कल का टीवी शो देखा था? हाँ यार, बच्चियों को तो जन्म लेते ही मार दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको बेटा ही चाहिए ताकि वो आगे अपना वंश बढ़ा सके। और यही नहीं, लड़कियों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं? क्या क्या हो रहे हैं? क्या क्या हो रहे हैं? बाल विवाह, भ्रूण हत्या और भी तो शोषण है। देश बदल गया, वक्त बदल गया, वक्त के साथ हम क्यों नहीं? हमें देश और वक्त के साथ अपनी सोच को भी बदलना है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसका जिम्मा हमारी युवा पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, लेकिन इन सब रिश्तों के लिए बेटी भी तो जिंदा रहनी चाहिए। जिंदा रहनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए। हमारे देश में दुर्गा माँ, माँ सरस्वती,